विधानसभा चुनावों में मथुरा की माड विधानसभा सीट पर सबकी नजर टिकी है। कहने को माड विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य सीट है, लेकिन यहां पर पंडित श्याम सुंदर शर्मा लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं। इस बार पंडित श्याम सुंदर शर्मा के सामने भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी, रालोसपा गठबंधन प्रत्याशी संजय सिंह लाठर और कांग्रेस के प्रत्याशी सुमन चौधरी हैं। भाजपा, सपा, रालोद और कांग्रेस सभी पार्टियां पंडित श्याम सुंदर शर्मा की घेराबंदी में लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी पंडित श्याम सुंदर शर्मा का तिलिस्म टूट पाएगा। इसे लेकर जनपद भर के लोगों की नजर माड विधानसभा की सीट पर है। मथुरा की माड विधानसभा सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अभी तक माड की विधानसभा सीट पर पंडित श्याम सुंदर शर्मा लगातार 8 बार विधायक हुए हैं, 9वीं बार वो चुनाव मैदान में है। इस बीच उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजेश चौधरी, सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह लाठर और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सुमन चौधरी हैं, लेकिन रामबाबू कटेलिया भी वहां आम आदमी पार्टी के रूप में हैं। इन सभी प्रत्याशियों के बीच पंडित श्याम सुंदर शर्मा 9वीं बार अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये भी होगा कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा की ये रणनीति 22 में कितनी कारगर होती है। दरअसल पंडित श्याम सुंदर शर्मा माड विधानसभा की जनता को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। बसपा उम्मीदवार के रूप में वह ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्ग के सहारे 9वीं बार अपनी जीत का परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी संजय सिंह लाठर भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौधरी भी विकास के वास्ते कमल खिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच माट की जनता पर सभी को भरोसा है, लेकिन पंडित श्याम सुंदर शर्मा सभी जातियों पर अपनी पकड़ रखते हैं। दरअसल माट विधानसभा सीट पर करीब 1,00,000 जाट मतदाता बताए जाते हैं, तो वहीं 55,000 ब्राह्मण, 42,000 दलित, करीब 38,000 ठाकुर मतदाता है। माट विधानसभा सीट पर करीब 22,000 मुस्लिम, 20,000 वैश्य और गुजर भगेल और निषाद के 12,000 मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं पर प्रत्याशियों को भरोसा है, लेकिन अब वक्त बता पाएगा कि क्या 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा इस बार भी जनता का भरोसा कायम रखेंगे, या फिर गठबंधन प्रत्याशी संजय सिंह लाठर साइकिल को नल के सहारे दौड़ाने में सफल रहेंगे, या फिर विकास के नाम पर राजेश चौधरी का कमल खिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल माट का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। दरअसल माट विधानसभा सीट पर जातिगत आंकड़ों का समीकरण भी कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि माट विधानसभा सीट को जाट बाहुल सीट माना जाता है। करीब यहां 1,00,000 मतदाता जाट है, 55,000 करीब ब्राह्मण और करीब 42,000 मतदाता दलित मतदाता माना जाता है, 38,000 के करीब यहां पर ठाकुर मतदाता है, बाकी अन्य मतदाता आते हैं। ऐसे में ये समीकरण काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इस समीकरण में अधिकतम मत कौन लेता है, ये सभी प्रत्याशी इस जुगत में रहते हैं, लेकिन लगातार इस समीकरण को सफल बनाने में यानी इस समीकरण का लाभ लेने में पंडित श्याम सुंदर शर्मा सबसे आगे रहे हैं और यही कारण है कि वो लगातार 8 बार विधायक बने हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि आखिर माट का ये समीकरण किसके फेवर में आता है, कौन माट का विधायक बनता है। सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय सिंह लाठर भी कड़ी टक्कर देने के मूड में हैं। ऐसे में राजेश चौधरी भी विकास के नाते कमल खिलाने की तैयारी में है, लेकिन आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल पंडित श्याम सुंदर शर्मा भी कड़ी रणनीति के तहत इस बार भी अपने चुनाव के समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।